पहले इंडेक्स के साथ। यस, निफ्टी 50 के ओर हर किसी का फोकस था, क्या आज के दिन कुछ चमत्कार होगा, बट देखा गया तो नहीं, मतलब और इंतजार करना पड़ेगा। हमारा जो हाईएस्ट लेवल है कौन सा, 18,887.60, अभी तो ये बाय हार्ट भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अंतर फिलहाल थोड़ा और हम लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, एक अच्छा खासा जंप अगर विदेश के बाजार में कभी आ गया या फिर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर आ जाती है इंटरनली जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, दैट्स इट, एक ही दिन में वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं। बट चलिए, कंक्लूजन क्या निकला कि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल आज का दिन तो ऑल टाइम हाई हम लोग को निफ्टी में तो लगते हुए देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स की बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने देखा कि सेंसेक्स ने एक नया हाई यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है, तो और इंतजार कर लेंगे यहाँ पे। एंड इसके पीछे का रीज़न तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि थोड़ा सा विदेश की ओर से सपोर्ट चाहिए, जो कि कल के दिन मिलते हुए देखने को नहीं मिला। पॉवेल जी का स्पीच भी मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें कोई नई बात नहीं थी, बट यस, उन्होंने वापस उसी पॉइंट को हाईलाइट किया कि रेट हाइक होंगे करके और लंबा टाइम लगेगा टारगेट को अचीव करने के लिए भी। एंड बाजार को क्या चाहिए होता है, छोटा मोटा कारण एक्सक्यूज चाहिए होता है, दैट्स इट, उसी चीज़ के चलते हमें इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी देखने को यहाँ पे मिली। ऐसी कोई बात नहीं कि 5-10% की गिरावट हो गई, ठीक है, 1-1% की गिरावट देखने को मिले, बट यस, हमारे बाजार के लिए वो इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हम बिल्कुल टॉप पे है ना, एंड ऐसे माहौल के चलते थोड़े से बेयर इजीली एक्टिवेट हो जाते हैं, और वही चीज़ देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा हल्का सा ही प्रेशर देखने को मिला, बट मोर देन इनफ था कि हमारा जो निफ्टी जो ओवरऑल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था उसको नीचे यहाँ पे लाने के लिए। तो ये थी पहली खबर जो कि हम लोगों ने देख लिया। अभी देख लेते कि आज के दिन यहाँ पे क्या होता है करके अमेरिकन बाजार में, एंड अगर अमेरिकन बाजार में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है तो शायद से कल के दिन अभी यही सोचना पड़ेगा कि हमारे मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। देन दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में। यस, HAL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि फाइनल MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये फाइनल है दोस्तों, ये साइन होगा करके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो US दौरे के ऊपर गए हैं, एंड 22 तारीख आज के दिन ही डिफेंस से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होने वाली थी। तो दोस्तों चलिए, ये खबर ऑफिशियली फाइनली कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रही है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो HAL का हम लोग को यहाँ पे एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिला है, एंड जॉइंटली ये क्या करने वाले हैं, जो फाइटर जेट का जो इंजन है F414, इसको वो यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ पे करने वाले, एंड कहाँ पे करने वाले, यस, हमारे भारत में ही करने वाले हैं। तो इसलिए ये खबर हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, एक और खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि कमेंट सेक्शन में हाईलाइट इसको किया भी जाता है कि पेरिस में हम लोग को एयर शो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड वहाँ पे हम लोग को HAL एंड उसी के साथ साथ अर्जेंटीना के साथ हम लोग को इनका बिजनेस जो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, एंड इसके चलते जो ऑलरेडी इनकी जो पार्टनरशिप यहाँ पे बनी है उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। किस में, MRO में। अभी ये MRO क्या है, तो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉलिंग, राइट, ये ऑलरेडी जो हमारे इधर एरो इंडिया जो शो था उस वक्त यहाँ पे अर्जेंटीना ने ऑलरेडी HAL के साथ जो डील किया हुआ है उसी का जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो कोई ये नई चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अगर हम लोगों को ये जो अर्जेंटीना नाम देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, तो दोस्तों उस खुशी के लिए अर्जेंटीना, HAL एंड उसी के साथ साथ एक और नाम भी जुड़ना चाहिए, एंड वो है तेजस। जिस दिन तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जब डील हो जाएगी उस दिन HAL को एक और एक्स्ट्रा धमाकेदार तेजी दिखाने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग ये MRO की बात करें, ये तो ऑलरेडी हम लोग को ये डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, इसको जस्ट अभी वो एक्सप्लोर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो आज के दिन क्या रहा, HAL का परफॉर्मेंस ठीक है, 0.25% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, चल जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा इसका एक साल का, आप देख सकते हैं 112% के यहाँ पे रिटर्न है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है HAL का, ट्रेडिंग के हिसाब से आप चाहो तो बोल सकते हो, वो किस चीज़ से रिलेटेड, यस, 27 जून, जब हम कह सकते हैं कि HAL का बोर्ड दूसरी बार यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को कंसीडर करने जाएगा। दूसरी बार इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने स्टॉक स्प्लिट को कंसीडर करने गए थे, बट उन्होंने वो चीज़ को कैंसिल किया था, इसके चलते HAL के शेयर में गिरावट भी हुई थी। सो सेकेंड टाइम ये यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं, देख लेते, आई होप इस वक्त इन्होंने इस चीज़ को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त उन्होंने विड्रॉ किया तो HAL का शेयर में जो एक गजब का मोमेंटम यहाँ पे बनाए अननेसेसरली, यहाँ पे शॉर्टर्स को एक बहाना मिल जाएगा इसको अच्छा खासा तोड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देख लेते अभी 27 तारीख को HAL से रिलेटेड क्या खबर निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट अगर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, KEI इंडस्ट्री लगातार फॉर्म में देखने को मिल रहा है, 5% की तेजी। केबल सेक्टर में ये काम करता है, राइट, पॉलीकैब एंड KEI इन दोनों को एक साथ यहाँ पे देखा था। KEI बहुत ही छोटी है पॉलीकैब के हिसाब से, अगर हम मार्केट कैप भी देखेंगे 21 और पॉलीकैब कितना है 52,
डबल है, इनफैक्ट मोर देन डबल है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉलीकैब डबल साइज की कंपनी केईआई इंडस्ट्री के बारे में भी। बट अगर देखा गया परफॉर्मेंस तो केईआई का भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। सो वायर्स केबल ये जो सेक्टर है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी में ही हम लोगों ने बहुत सारे और भी कंपनीज यहाँ पे अलग अलग इसमें देखे थे जो कि वायरिंग केबल्स में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। चाहे फिर वो गीके वायर्स की बात करें, डायनामिक केबल्स की बात करें, राइट, ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट ये बहुत ही छोटी कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, अभी भी इनका जो शेयर प्राइस है वो ग्रीन ही देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कोई सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश करना नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे कंपनीज है, इनमें जब गिरावट हो जाएगी तो ऊपरी स्तर से 10-20% तो ऐसे ही गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बेसिक रूल बताता हूँ कि अगर ये स्टॉक इतना तेज़ी से भागता है और ये भागने वाले रिटर्न्स कितने नज़र आते हैं, 200%, सो इसको 200% नहीं पकड़ने का, इसको 50% कट पकड़ कर चलो, 100% ही मान के चलो, तभी जाके आप बड़ी पारी खेल पाओगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्टॉक हमेशा टॉप पे ही रहेगा, आज नहीं तो कल करेक्शन दिखाएगा और हमें क्या लगता है 1-2% गिरे तो नहीं, जो करेक्शन होता है वो भी सॉलिड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा छापा होता है। एंड अगर कोई 19-20 वाली खबर बाजार में अगर मिल जाती है तो ईजिली ऐसे स्टॉक्स में प्रेशर हावी हो जाता है। सो ये भी मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे BCG के बारे में, यस, लगातार सर्किट था तो चलिए आज के दिन सर्किट रुकते हुए देखने को मिल रहा है। 5% सर्किट में ही चलते हैं स्टॉक, भागेंगे तो सर्किट में, गिरेंगे तो सर्किट में, इसमें यूजुअली जो शिकार हो जाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जैसे कि आप देख सकते हो बॉटम पकड़ लिया एंड टॉप को अगर मैं पकड़ कर कैलकुलेट करता हूँ कितने रिटर्न्स बनते हैं, बाप रे बाप, 271% के रिटर्न्स, इतना तो रिलायंस में नहीं दिया है सर 5 साल में, बोलने के लिए कितना सिंपल है ना, एकदम हलवा है बोलने के लिए, 270% के रिटर्न, ऐसा तो हर कोई बोल देगा, बट क्या आप उसको कैच कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, राइट। एंड इसी चीज़ को कैच करने के लिए वो क्या करते हैं, अपर सर्किट में शेयर्स को बाय करने की कोशिश करते रहते हैं एंड बाद में मस्त यहाँ पे ऑपरेटर को डंप करने के लिए यहाँ पे बकरे मिल जाते हैं। एंड आज आप देख सकते हैं उनके पोर्टफोलियो में शेयर आ चुके हैं, फिर क्या हो जाता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, वो शेयर काटते ही जाता है और लोग ये इंतज़ार करते ही जाते हैं, ठीक है। तो तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है, ये कोट को हमेशा याद रखना मेरे ओर से, वरना ऐसा बॉटम पकड़कर आपको मैं ऐसे और कितने शेयर दिखा दूंगा जो कि पैसों में चलते हैं और वहाँ पे आपको 600-700% रिटर्न देखने को मिलेंगे, बट प्रैक्टिकली वो आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, जो पंप डंप करने वाले होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको वो रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में अगर आ गया तो हम लोग बच सकते हैं, वरना तो हमारा शिकार यहाँ पे होता रहेगा। देन बात करेंगे डी मार्ट के बारे में, किस कैसा गिरा है आज, 2.5% गिरा है, अच्छी बात है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते सर क्या पीटी करे क्या इसमें करे क्या, देखिए ये आपका कॉल होना चाहिए, मैं हाँ बोलूँगा फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो गई पता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए वापस मुझे पूछना पड़ेगा, और हर किसी को थोड़ी ना मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और ये तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं कोई रिकमेंडेशन थोड़ी ना दे रहा हूँ, बट फिर भी अगर देखा गया तो ऑब्वियसली वाई नॉट, स्टॉक इतने, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मैंने पीटी से रिलेटेड 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसमें मैंने पहले ही दो गोल्डन रूल्स आपको सिखा के रखे हुए हैं कि आपको वो शेयर में इंटरेस्ट होना चाहिए, बस शेयर गिर गया इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ये कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि अगर जितना वो नीचे जाएगा उतना एवरेज करने में फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए एंड प्लस वैसा मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बाइंग करना कितना सिंपल है, कल मार्केट खुल जाएगा आप जाके बाय कर लोगे, बट उसके बाद का क्या, वो प्लानिंग रेडी होनी चाहिए, वरना देखा कि तो ऑब्वियसली वाई नॉट, आप कर सकते हैं, आप बिंदास कर सकते हैं इतना टॉप लेवल से, अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है तो, जैसे मुझे स्टॉक के ऊपर बहुत भरोसा है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बट उससे पहले मल्टीपल साइकिल्स में गिरता रहेगा, जो कि अभी गिरते हुए देखने को मिल रहा है, ये देखिए राइट, कभी कोई स्टॉक गिरा नहीं है क्या, गिरने के बाद तो नाम रखने वाले बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, सडनली वो खराब हो जाएगा, बट जैसे लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखते हैं 500-500% ऐसे थोड़ी ना भागता है वो, तो ये चल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो कंपनी तो बहुत शानदार है, आप चाहो तो पेटी कर सकते हो, आपकी मर्जी, गिरावट का फायदा उठा सकते हो, राइट, अल्टीमेटली कंपनी आपको मुनाफा ही देगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। देन बात करेंगे ट्राइडेंट, सर ट्राइडेंट में पीटी करे, अरे बिल्कुल भी नहीं, NO, मैंने कितनी बार कहा है दोस्तों आपको, फंडामेंटल स्टॉक ट्राइडेंट मतलब ये छोटे छोटे कंपनीज है, 15-16 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, हमें बड़े कंपनीज चाहिए, मेरे गोल्डन रूल दोस्तों आप ब्रेक कर रहे हो, फंडामेंटल स्ट्रांग समझो, मैं ये कोई कंपनी खराब नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट ये कंपनियाँ बहुत रिस्की होती है और इसमें जितना नीचे जाएगा उतनी हिम्मत नहीं बनती है यहाँ पे, आप समझो बड़े बड़े कंपनीज में जाओ, ब्लू चिप कंपनीज में जाओ, वहाँ पे जाके पीटी करो, ये ऐसा किधर भी नहीं जाने का है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर IEX में करो, बिल्कुल भी नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना है, यशो इंडस्ट्री जैसी कंपनी मेरे पास भी कमाल के रिटर्न्स है, बट वहाँ पे भी नहीं जाना है, वो माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है, धज्जा उड़ जाएगी आपकी, कल को वो कंपनी रहेगी नहीं रहेगी उसकी गारंटी नहीं होती है, तो इस बेसिक चीज़ को समझो दोस्तों, ये कंपनियाँ खराब नहीं है, बट ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन बात करेंगे IRCTC,
कितना गिरा है, 2.5% गिरा है, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, सर वापस ये इस लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सवाल का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी बार दिया है कि मैं क्या बताऊँ कि स्टॉक वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसका बॉटम क्या है, इसका टॉप क्या है, किसी को नहीं पता है दोस्तों। शेयर मार्केट अनसर्टन है, तेजी आती है तो ऐसी तेजी आती है, देखिए ये यहाँ पे भी स्टॉक लगभग 1-1.5 साल वैसे ही चल रहा था। RVNL कैसे चला, ये वैसा ही चला था, ये देखिए रॉकेट की तरह भागा था। हाँ, सिर्फ यहाँ पे फिर वो गिरावट हुई ना, वो खुद से गिरावट यहाँ पे नहीं हुई, फिर वो सरकार का रोज डिसीजन आया था कन्वीनियंस फी से रिलेटेड, फिर वो विड्रावल एंड सुपर ड्रामा, फिर यहाँ पे बेचने के लिए फिर लोगों को एकदम मतलब बहाना मिल गया, तो इस चीज़ के चलते गिरा है। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब तक वो जाएगा करके, कब तक कोई किसी को नहीं पता है। होने के लिए 2-3 साल यहीं पे रुके और उसके बाद होने के लिए 2 महीने के बाद ही आप लोगों को डबल ट्रिपल रिटर्न दे, इस प्रकार से चीज़ें होती है बाजार में। जैसे मैंने हमेशा आपको गोल्डन रूल सिखा के रखा हुआ है कि वो कंपनी में काबिलियत है कि नहीं, दैट्स इट, वो चेक करना है, वो बिजनेस में काबिलियत है कि नहीं वो चेक करना है। उस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर एज अ वेल्थ क्रिएटर इन्वेस्टर उसमें बने रहना होता है, राइट। एंड IRCTC की अगर मैं बात करूँ तो यस, उसमें वो काबिलियत क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ जाती है और इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहता है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा सारी चीज़ें बढ़ेगी, एक्स्ट्रा रेलवेज हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं, राइट। बहुत सारा रेलवे का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस ग्रो ही होने वाला है, बट टाइम लगेगा। और हमेशा आप देखोगे तो अच्छी सारी चीज़ें एंड बड़े रिटर्न बनने के लिए टाइम ही यहाँ पे लगता है। तो ये कंपनियाँ खराब नहीं होती दोस्तों, ये पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आखिरी स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, अच्छा खासा 5-5% की गिरावट देखने को मिले। गिरावट के पीछे का एक रीज़न भी देखने को मिल रहा है, क्या रीज़न बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों CLSA की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस बैंक को क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने ऑलरेडी दे दिया है एंड अभी आगे की अगर हम लोग बात करें इसकी जो जर्नी रहेगी उतनी रफ्तार की ओर से देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा कहना नहीं है, ये CLSA ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है। तो इसी चीज़ के चलते जिनका अच्छा खासा पैसा बना होगा, जिनको ये रिपोर्ट वैलिड लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो शायद से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। इसी चीज़ के चलते ये 5-5% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बहुत सारे लोगों की ये भी डाउट आते रहते, सर ये जो CLSA है, जेफरीज है, मैक्वेरी है, गोल्डमैन सैच है, क्या इनकी रिपोर्ट को क्या इतना महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों वो डिपेंड करता है, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, CA D है, ठीक है, वो अगर CLSA की रिपोर्ट को मानते हैं, उनको वो जो चीज़ जो भी उन्होंने बोली है वो उनको सही लगती है, एंड अगर उनके पास IDFC फर्स्ट बैंक में मान लीजिए उन्होंने निवेश करके रखा था 200-300 करोड़, उनको अच्छा पैसा बन रहा है, और अगर वो इसके फॉलोअर होंगे तो डेफिनेटली वो इनके चीज़ों को यहाँ पे मानकर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। इसलिए तो आप देख सकते हो कि रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। कुछ लोग CLSA को नहीं मानते, जेफरीज को मानते, कुछ लोग मैक्वेरी को मानते हैं, तो उनकी रिपोर्ट जब आती है वो उनको पढ़कर देख लेते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो और किसी का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे चीज़ होता है और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, रिएक्ट यहाँ पे करते हैं। कभी कभी इनकी रिपोर्ट बहुत ही वाहियात होती है जो कि फिर उनके खुद के ही फॉलोअर्स उनको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बट हाँ, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें गिरावट के पीछे का रीज़न हम लोग को यही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, बट इसके अर्थ ये नहीं होते कि कंपनी बर्बाद है, कंपनी खराब है करके, ये जस्ट एक ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली कि स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया है तो इसलिए डाउनग्रेड करते हैं, वेटेज कम कर देते हैं। तो इसके चलते एज अ इन्वेस्टर आपने डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग ही फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहे हैं।